थ्योरम नंबर वन स्टेटमेंट है, इन एन एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द एब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग द एब्ट्यूज एंगल टूगेदर विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेनिंग बाय वन ऑफ द साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। स्टेटमेंट को समझते हैं कि हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है मगर 180 डिग्री से लेस है। स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल, अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर लें तो इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर स्क्वायर्स के सम के ऑन द साइड साइड्स के कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल टुगेदर जिनसे ऑब्ट्यूज एंगल बना है और ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स, एक रेक्टेंगल के एरिया के ट्वाइस के जिस रेक्टेंगल में ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की एक साइड मौजूद हो एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट और उस साइड पर प्रोजेक्शन होगा यानी अक्स होगा दूसरी का। इस स्टेटमेंट से हम गिवन लिखते हैं, तो गिवन क्या है कि स्टेटमेंट में जो भी चीजें हमें मालूम हो रही हैं उनको लिखते हैं। तो ए बी सी इज अ ट्राइंगल हैविंग एन ऑब्ट्यूज एंगल ए बी ए सी एट ए। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और जैसे कि हमें नजर आ रहा है स्क्रीन पर ए जो है एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 90 डिग्री से ग्रेटर है। ड्रा करते हैं हम सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी प्रोड्यूस, ए बी को बढ़ाएंगे और सी डी से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, सी डी परपेंडिकुलर है जो ए बी को बढ़ाने पर मिलता है एट द पॉइंट डी, तो एंगल बनेगा डी पर 90 डिग्री। सो डेट ए डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी, हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए डी है ये अक्स है ए सी का ऑन ए बी, ए बी साइड के ऊपर प्रोड्यूस जिसको आगे बढ़ाया गया। अब जो साइडें हमारे पास आई हैं उनको हम नाम दे लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ बी सी इसको ए समाल कर समाल ए का नाम दिया, मेजरमेंट ऑफ सी ए इक्वल टू समाल बी, मेजरमेंट ऑफ बी ए इक्वल टू समाल सी, मेजरमेंट ऑफ ए डी इज इक्वल टू एक्स एंड मेजरमेंट ऑफ सी डी इज इक्वल टू एच। अब हमने प्रूव करना है टू प्रूव कि बी सी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस टू टाइम मेजरमेंट ऑफ ए बी इंटू मेजरमेंट ऑफ ए डी। अगर इसको लिखें हम जो वैल्यूज हमने साइड्स की रखी हैं या जो साइड्स के नाम रखे हैं उनके मुताबिक, तो बी सी स्मॉल ए है तो ए स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू सी एक्स, ये चीज हमने या ये रिलेशन हमने प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट है थ्योरम में हम प्रूफ लिखते हैं, स्टेटमेंट और रीजन इसके दो हिस्से हैं। जो फिगर हमने ड्रा की है पिछली स्क्रीन पर उसको हम आगे ले आए हैं। तो यहां देखें कि हमारे पास ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए, तो ये सी डी और ए ट्राइंगल में मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये डी पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है और ये गिवन में हमने सी डी परपेंडिकुलर गिराया था बी ए के ऊपर। अब देखें कि अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी पर पाइथागोरियस थ्योरम इस्तेमाल करें तो ए सी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यहां पर इन साइडों की वैल्यूज प्लेस करते हैं, ए सी की जगह पर हम प्लेस करेंगे बी तो बी स्क्वायर, ए डी की जगह पर एक्स और सी डी की जगह पर एच, तो रिलेशन बन गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हम इसको वन का नाम दे। अब अगर हम
राइट साइड पर मौजूद अपनी फिगर को गौर से देखें तो हमारे पास एक दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई नजर आ रही है जो ग्रेटर है BDC या CDB। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल CDB, तो यहां भी हम देख सकते हैं कि जो एंगल D है वो 90 डिग्री का है, गिवन है ये भी, क्योंकि CD परपेंडिकुलर ड्रा किया था BA प्रोड्यूस के ऊपर। अब आप देखें कि पाइथागोरियस थ्योरम अगर हम इस ट्रायंगल CDB पर इस्तेमाल करते हैं, तो अगर पाइथागोरियस थ्योरम हम ट्रायंगल CDB पर इस्तेमाल करें तो मेजरमेंट BC स्क्वायर इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BD स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ CD स्क्वायर है। अब इन साइडों की वैल्यूज जो हैं वो यहां प्लेस करेंगे तो हमें हासिल होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस एक्स, बी टू डी फासला देखिए बी टू ए फिर ए टू डी है, तो बी टू ए फासला है एक्स और ए टू डी है एक्स, तो टोटल फासला बी टू डी बन गया सी प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये रीजन हमने लिख दी है, बी डी की जगह पर आपने एक्स प्लस एक्स क्यों रखा। अब हम करते ये हैं कि c प्लस एक्स होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो सी स्क्वायर प्लस टू टाइम सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर टू। अगर हम देखें इक्वेशन नंबर वन और टू को गौर से, तो इक्वेशन नंबर टू में एक्स स्क्वायर प्लस एच है, जबकि इक्वेशन नंबर वन से एक्स स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू इक्वल है बी के। तो हम इक्वेशन नंबर टू में एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह पर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बी स्क्वायर प्लेस किया और ये हमने वजह या रीजन बता दी है कि वन और टू को यूज किया है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसको अरेंज कर लें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी एक्स, और यही हमने प्रूव करना था। अब ए बी सी और एक्स को रिप्लेस कर देते हैं, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस टू टाइम ए बी इंटू ए डी, तो ये हमारा रिलेशन प्रूव हो चुका है।